थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए आज आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज का क्या कंसेप्ट है समझना, जैसे e की पावर एक्स या फिर बच्चों लॉग वन प्लस एक्स, ई की पावर एक्स या लॉग वन प्लस एक्स या लॉग वन माइनस एक्स या बच्चों साइन एक्स या कोज एक्स, मतलब इस दुनिया में जिन जिनका डिफ्रेंशिएशन होता है ना, जिन जिनका डिफ्रेंशिएशन होता है उन सब की बच्चों मैक्लॉरिन सीरीज बनती है। नाम क्या है? मैक्लॉरिन। हाँ जी, दो सीरीज है, एक तो है आपकी मैक्लॉरिन, क्या नाम है, मैक्लॉरिन सीरीज एक कंसेप्ट के ऊपर बनी हुई है, उस कंसेप्ट को समझना है, ये डिफरेंशिएशन के यूज है। इस टॉपिक के लिए आज की क्लास ली है, बाकी क्लास बच्चों ये वाला जो बैच है वो अपन परसों से स्टार्ट करने वाला था, पर ये टॉपिक बच रहा था जो लिमिट में और हर जगह यूज आ रहा था, तो उसमें टॉपिक का नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। हाँ जी, ई की पावर एक्स है, लॉग वन प्लस एक्स है, लॉग वन माइनस एक्स है, साइन एक्स है, कोज एक्स है, और भी साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है। इस ब्रह्मांड में जितने भी फंक्शन है जिन जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, उन सब की सीरीज बनती है, उन सब की एक सीरीज बनती है। और सीरीज को कहां यूज करना है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये अपने क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चन के अंदर कभी कभी अपन को एक्सप्लेन करने पड़ते के उसको अपन सीरीज में चेंज करने पड़ते, तो वो चेंज सीखने के लिए मैक्लॉरिन सीरीज अपन पढ़ रहे हैं कि उसमें कैसे बदलाव किया। हाँ जी, फॉर्मेट बनाना, ये अपने सारे क्वेश्चन है, और भी जो जो आपके मन में आएंगे वो सब क्वेश्चन है बच्चों। होता क्या है, एक कंसेप्ट के ऊपर पूरा पूरा फॉर्मेट डिपेंडेबल है। जिसकी मैक्लॉरिन सीरीज बनानी है वो फंक्शन होगा, यानी एफ ऑफ एक्स। जिसकी मैक्लॉरिन सीरीज बनानी है बच्चों वो होगा आपका एफ ऑफ एक्स, मतलब ब्रह्मांड का कोई सा भी फंक्शन, ये बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन माइनस एक्स, ऐसे ब्रह्मांड में जितने भी फंक्शन है ना वो सब एफ ऑफ एक्स कहलाएंगे। इस एफ ऑफ एक्स के कंसेप्ट पे आपको एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, कैसे, सबसे पहले पुट किया गया बच्चों एफ ऑफ जीरो, क्या पुट किया गया बच्चों एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो के फॉर्मेट, यानी जो फंक्शन दे रखा उसके अंदर जीरो पुट कर दो प्लस, फिर आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर वापस जीरो पुट करना है, यानी एफ डैश जीरो, आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है और उसके अंदर क्या पुट करना है, फिर से जीरो पुट करना है, फिर प्लस एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। ये बच्चों डिफरेंशिएशन के यूज में पढ़ा जाता है टॉपिक। अच्छा, ये कब तक करना है, ये फॉर्मेट करते रहिए, कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएशन करेंगे और आगे बढ़ाए, तो बच्चों एक बार और डिफरेंशिएशन होगा एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सोन, ये चलता रहेगा आपका प्लस एंड सोन, चलता रहेगा आगे तक, लास्ट तक चलता रहेगा। हाँ जी, एफ ऑफ जीरो फिर एफ डैश जीरो, अभी याद हो जाएगा, मेरे साथ देना, थोड़ा थोड़ा चलते रहना। सर क्या कर रहे, एक धुन बनानी बच्चों, सीरीज का मतलब एक धुन होती है, उस धुन को आप कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, एफ ऑफ जीरो मतलब जो फंक्शन दे रखा उसमें जीरो पुट कर दिया, एफ डैश जीरो मतलब जो फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया और फिर जीरो पुट कर दिया, एफ डबल डैश जीरो मतलब जो फंक्शन था उसका दो बार डिफरेंशिएशन किया और फिर उसमें जीरो पुट कर दिया, एफ ट्रिपल डैश जीरो यानी जो फंक्शन था उस फंक्शन का तीन बार डिफरेंशिएशन किया और फिर जीरो पुट कर दिया। अच्छा, ये चीज कब तक करनी है, इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहिए, पर आपको किसी भी सीरीज की धुन बनाने के लिए तीन टर्म चाहिए बच्चों। कोई भी सीरीज अगर आप बनाओगे तो उसकी कितनी, तीन टर्म का काम है, तीन टर्म आपको बनानी है, तीन टर्म बन जाएगा तो काम हो जाएगा। हाँ जी, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो। अब इसके साथ में क्या आएगा वो भी समझिए बच्चों, यहां पर डिफरेंशिएशन एक भी बार नहीं हुआ, यहां डिफरेंशिएशन एक बार हुआ, तो यहां पर साथ में एक्स की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन, ये लिखना है किसके साथ, एफ डैश जीरो के साथ धुन बननी चाहिए। f डबल डैश जीरो की बात करें बच्चों, डबल है, डबल डिफरेंशिएशन है, तो यहां आता है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, इधर भी टू, इधर भी टू, इधर भी टू, इधर वन, इधर वन, इधर वन, डिफरेंशिएशन वन, x की पावर वन, फैक्टोरियल वन, डबल डैश डिफरेंशिएशन x की पावर टू, फैक्टोरियल टू,
अच्छा ट्रिपल डैश के साथ में क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री। हाँ जी, एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से अगर अपन एनवे नंबर की अगर टर्म लिखे कि ये सीरीज चल रही है और ये सीरीज चलते चलते कौन से नंबर की टर्म लिखे बच्चों, एनवे। हाँ जी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। चलो छोड़ो इसको, एनवे टर्म में मत उलझो। हाँ जी, फॉर्मूला सबके क्लियर हो जाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स जिसकी सीरीज बनानी है वो इधर आएगा, जो सीरीज बनानी है वो उसमें आएगा। जीरो पुट करना है फंक्शन में, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट करना है, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट करना है, फंक्शन का ट्रिपल डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट करना है। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, तीन बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अच्छा, चार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। अगर बच्चों पांच बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स की पावर आपकी फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या ये चीज क्लियर है, क्या फॉर्मूला सबके समझ में आ जाना चाहिए। जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। आजी फॉर्मूला क्लियर सबके, आजी आगे बढ़ाते। ये फॉर्मूला है बच्चों, सब सीरीज को याद करने के बजाय, सारी सीरीज को याद करने के बजाय ये मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मेट। मैक्लॉरिन बच्चों एक साइंटिस्ट है, आज भी बच्चों पीएचडी होती है, उन पीएचडी के हिसाब से वो भी, उसने भी पीएचडी करी होगी। एक कंसेप्ट अपन को दिया कि सारे फॉर्मूले आप याद मत कीजिए, उसके बजाय ये एक कंसेप्ट आपको याद करना है और उसके अंदर भी थीम है, उस थीम को सेट करना है। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, समझना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स जो आपके मन में आ गया ना, उसकी मैक्लॉरिन सीरीज बनेगी। हाँ जी, क्या एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, फॉर्मेट ये दे रखा है। सीरीज अपन को क्लियर होनी चाहिए। इधर बच्चों एफ ऑफ एक्स है, इधर क्या है ई की पावर एक्स है। हाँ जी, सबसे पहले फंक्शन के अंदर जीरो पुट किया, ई की पावर जीरो बच्चों वन आएगा। फिर आगे बढ़े, क्या बनेगा एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, यानी बच्चों एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। फिर आगे बढ़ाइए, एफ डबल डैश एक्स कितना बनेगा ई की पावर एक्स। इजी है टॉपिक, बहुत इजी है। एफ डबल डैश जीरो कितना आ जाएगा बच्चों, वन आ जाएगा। अच्छा, सीरीज के अंदर कितनी टर्म लिखनी पड़ती है सर, तो कम से कम तीन नॉन जीरो टर्म लिखनी पड़ती है बच्चों, कम से कम तीन नॉन जीरो टर्म लिखनी पड़ती है, उसके बाद बच्चों धुन बन जाती है, उस धुन के हिसाब से आप आगे की टर्म भी लिख पाओगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यानी बच्चों ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। फिर बच्चों एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो यानी वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। एफ डैश जीरो कितना हो गया बच्चों, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। अच्छा, एफ डबल डैश जीरो कितना है बच्चों, वन। फिर वापस ये वन इंटू करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। फिर बच्चों एफ ट्रिपल डैश जीरो यानी कितना बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अच्छा, फिर से इसकी वैल्यू कितनी आई, वन आई। अच्छा, तीन टर्म बनाने के बाद, तीन या चार टर्म बनाने के बाद बच्चों धुन बन जाएगी। क्या बोला, वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एंड सो। आज ही ई की पावर एक्स को ऐसा भी लिखा जा सकता है, और कहां काम आता है आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर आपने लिमिट के क्वेश्चन किए बच्चों तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि फॉर्मेट कहां चलेगा। हाँ जी, क्या 100% क्लियर है, क्या किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ एक का, आप जो इसका चाहो उसका फॉर्मूला बना सकते हो, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ते। बिल्कुल क्लीन हो गया होगा, बहुत इजी चीज है, नहीं आने की वजह से अपन को ये कंसेप्ट, बाकी आज के बाद आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैक्लॉरिन सीरीज आती है तो ये फॉर्मूले आपके हुए सर, बीएससी का कंसेप्ट है ये, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पता रखना, ये फॉर्मूले हर जगह मिल जाते हैं बच्चों, किसी भी बुक उठाओगे ना तो उसमें फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते, एक क्वेश्चन और लेते जिस फॉर्मूले को अपन ने यूज किया। अच्छा, इसी फॉर्मूले के ऊपर आज क्या था, देखिए ई की पावर एक्स था बच्चों, क्या था फॉर्मूला, वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस बच्चों एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एंड सो ऑन, ये था। हाँ जी, कितना x अपॉन फैक्टोरियल वन, ऐसा फॉर्मेट है। अच्छा बच्चों,
अगर x की जगह माइनस एक्स लगाए, x जगह क्या लगा है माइनस एक्स, x की जगह क्या लगा है माइनस एक्स, बस जहां जहां x है वहां माइनस एक्स लगा दो, यानी वन। बच्चों यहां x की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। बच्चों माइनस एक्स यानी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। बच्चों माइनस एक्स यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। बच्चों माइनस एक्स यानी एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, प्लस की जगह माइनस एंड सो। हाँ जी, अगर e की पावर माइनस एक्स चाहिए, कोई कहता है कि सर मैकलॉरिन सीरीज से बना ले, तो बिल्कुल बना सकते हो बच्चों, ये आपके लिए मनाही नहीं है, बिल्कुल आप बना सकते हो। पर मैंने एक वर्ड बोल दिया क्या, कि x जगह माइनस एक्स लगाने से बन रहा है, तो सिर्फ एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या, फटाफट जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए, ये फॉर्मूला क्लियर है क्या। मैकलॉरिन के सपोर्ट में एक फॉर्मूला और बना लिया। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। चलिए एक फॉर्मूला और बनाते हैं और फिर टेलर सीरीज के ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों, आज ही तैयार हो जाएंगे, अभी तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, समझना, लॉग वन प्लस एक्स की मैकलॉरिन सीरीज बनानी। हाँ जी, ये फॉर्मूला भी अपने यूज आया था। क्या बच्चों, लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। नंबर एक क्या नाम है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का नाम बच्चों लॉग वन प्लस एक्स। हाँ जी, सबसे पहले एफ ऑफ जीरो, सबसे पहले क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ जीरो। अच्छा बच्चों ये जीरो है, वन प्लस जीरो वन होगा, लॉग वन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। आप भी दिमाग लगाते रहना, लॉग वन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। चलिए जी आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट बच्चों क्या करें, एफ डैश एक्स, लॉग का कितना वन अपॉन वन प्लस एक्स डिफ्रेंसिएशन, और वन प्लस एक्स का वापस करेंगे, वन का जीरो और एक्स का वन। बच्चों क्या बनेगा, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। बच्चों ये जीरो बन जाएगा, वन अपॉन वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, साथ साथ चलना बच्चों। अब चलिए एफ डबल डैश एक्स, क्या चाहिए अपन को, तीन नॉन जीरो टर्म चाहिए। हाँ जी, कहानी इतनी सी है, तीन नॉन जीरो टर्म चाहिए। इसके क्वेश्चन कहां मिलेंगे, जितने आपको याद आ जाए उन सबकी सीरीज बना लो। साइन कोस टेन कोट से कोजेक, टेन इनवर्स साइन इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स, जो भी आपको याद आ रहा है ना उन सबकी सीरीज बनती है, यही मैकलॉरिन सीरीज है। चलिए एफ डबल डैश एक्स, हाँ जी एफ डबल डैश एक्स। हाँ जी, ये बच्चों एक्स है, ध्यान से देखिए ये क्या है बच्चों, एक्स है। हाँ जी, ये आपका क्या है बच्चों, x है। ये पूरा फॉर्मेट किसका काम कर रहा है, x का। हाँ जी, तो इसको 1 अपॉन x की तरफ बनाओ, क्या बनाइए इसको, 1 अपॉन x की तरफ बनाइए, 1 अपॉन x की तरफ बनाइए। 1 अपॉन x का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये x तो था नहीं, ये जो वैल्यू है वो x तो आपका था नहीं, तो कौन है, 1 प्लस x, तो वापस कर दो, 1 प्लस x का डिफरेंशियल, 1 का तो बच्चों 0 और x का कितना हो गया 1, ये लीजिए 0 प्लस 1 कितना है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखिए, तो इधर बच्चों 0 लगाएंगे, ये 1 का स्क्वायर, ये 1, और टोटल मिला के वैल्यू कितनी बनी, माइनस 1 बनी। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है क्या, फटाफट जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ते। f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, f डबल डैश 0 की वैल्यू आई गई माइनस 1। हाँ जी, सबके क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ गया, अभी तक बच्चों आगे बढ़ना है, इस पे काम नहीं चल रहा है, अभी तो आगे बढ़ना है अपन को। चलिए जी आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट। अच्छा फिर आगे बढ़ते बच्चों, एफ ट्रिपल डैश एक्स चाहिए, ध्यान से सुनना, ये बच्चों माइनस वन का माइनस वन ही रहने दो, ये टू है, इस टू के आगे क्या लगाना है, माइनस टू। नीचे क्या है बच्चों, वन प्लस एक्स, इसमें एक बढ़ाना होता है, तो वन प्लस एक्स की पावर कितना बच्चों, थ्री। वन प्लस एक्स की पावर कितना हो गया, थ्री। क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो, कितना एफ ट्रिपल डैश जीरो, बच्चों माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया ऊपर, टू अपॉन वन प्लस जीरो, वन, वन का होल क्यूब, बच्चों वन आएगा, बच्चों नीचे वन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर कितना हो गया, टू आ गया। हाँ जी, इसका आंसर कितना हो गया, फॉर्मेट कितना हो गया बच्चों आपका, टू हो गया। जी बच्चों ये स्टेप बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, अगर ये क्लीन हो गया तो मजा आ जाएगा। सबके क्लियर है क्या, फिनिशिंग आ जानी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। चलिए थोड़ा सपोर्ट करना, एक लास्ट स्टेप और देखते हैं, एफ फोर टाइम डैश, जरूरत नहीं है फिर भी बना लेते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ जी, माइनस वन ठीक है, माइनस टू ठीक है, अच्छा ये थ्री, आगे माइनस माइनस थ्री, बाकी ये पढ़ा रखा है मैंने, डिफरेंशियल जब पढ़ाया था तब जरूरत थी इस चीज की, तो वन प्लस एक्स की पावर कितना, एक बढ़ा दो, फोर हो गया। अच्छा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, वन प्लस एक्स का, वन का जीरो और एक्स का वन, ये बन गया। हाँ जी क्या चाहिए, एफ ट्रिपल डैश सॉरी फोर टाइम डैश जीरो, फोर टाइम डैश जीरो। चलिए
माइनस 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 टोटल कितना हो गया माइनस 3 2 1 3 2 1 कितना हो गया 6 अपॉन कितना 1 जिसका कोई महत्व नहीं। हाँ जी, 3 नॉन जीरो टर्म चाहिए फिर धुन बन जाती है, पर यहां पर अपन ने 4 निकाल ली और अच्छी धुन बन जाएगी। चलिए देखते हैं फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, फॉर्मेट पे आइए, कितनी टर्म आ गई अपने पास, ये टर्म अपने पास सिलेक्ट हो गई। एक बच्चों क्या आई 1 आई, एक बच्चों माइनस 1, एक बच्चों 2 और एक कितनी आई माइनस। सबसे पहले टर्म कितनी है फॉर्मेट के हिसाब से, तो ये बन गया। चलिए जी देखते हैं एक बार फॉर्मेट पे आ जाइए। f(x) बच्चों log 1 प्लस एक्स, f(x) कौन है बच्चों log 1 प्लस एक्स, फॉर्मेट ये आ गया। अच्छा आगे बढ़ाइए, पहले नंबर पे 0, दूसरे पे 1, फिर माइनस 1, फिर 2, फिर 6 लिखेंगे। सबसे पहले f(0) 0 हो गया, उसका कुछ मतलब नहीं है बच्चों। फिर f-0 बच्चों कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे x अपॉन फैक्टोरियल 1 और f-0 यानी कितना हो गया 1 हो गया, मीनिंग कुछ नहीं। प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपनी जगह पे बच्चों f-0 कितना हो गया माइनस 1 हो गया। आज नेक्स्ट आगे बढ़ाइए, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। आज नेक्स्ट आगे बढ़ते लास्ट टर्म क्या बनी f-0 कितना, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू, हाँ जी इंटू आपका कितना बन जाएगा इंटू माइनस 6। लास्ट वाली टर्म कितनी बन गई बच्चों माइनस 6 और प्लस एंड सोन जो भी आए आगे आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्या बच्चों log 1 प्लस एक्स अपनी जगह बरकरार है, दोनों बनानी है बच्चों। x अपॉन फैक्टर 1 का मतलब 1 होता है बच्चों, तो ये x अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 होता है, मतलब बच्चों 2 लिख सकता हूं। अच्छा फैक्टोरियल 3 का मतलब बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और ऊपर इंटू में कितना दिखाई दे रहा है बच्चों 2 दिखाई दे रहा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, नीचे ऑल ओवर कितना बचा 3 बचा, तो इस फॉर्मेट की जगह में क्या लिखा जा सकता है। हाँ जी इस फॉर्मेट की जगह में 3 लिख सकता हूं। हाँ जी सेट करना बच्चों, ये 3 आ जाएगा यानी ये और ये कैंसिल होके प्लस का एक्स क्यूब अपॉन कितना आएगा 3 आएगा। आज इसको सोल्व करते हैं, इसका मतलब बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है बच्चों, ऊपर कितना है बच्चों 6 है इंटू में। अच्छा 3 इंटू 2 कितना होगा बच्चों 6, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, कितना बचा बच्चों 4 बच गया, तो कितना आएगा माइनस और एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस एंड सोल बच्चों, फॉर्मेट ये बन जाएगा। आज ये पूरी तरीके से खत्म। आज क्या धुन बनी, मैंने एक वर्ड बोला 3 टर्म आई धुन बन जाएगी, 3 टर्म में धुन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। हाँ जी फॉर्मेट क्या आ जाएगा log 1 प्लस x अपनी जगह बरकरार, ये बच्चों x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस एंड क्या बन जाएगा 100। हाँ जी फटाफट रेस्पॉन्स देके बता दीजिए क्या क्लियर होगी क्या। मैं तो ये कह रहा हूं बच्चों कोई सी भी सीरीज बना सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यही बनाओ आप, कोई सी भी सीरीज आपके द्वारा बनाई जा सकती है, जहां पर आप रुके वहां पर सीरीज बनानी है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है एक बार वापस देख लीजिए, फॉर्मूला बहुत इजी है, फॉर्मूले के अंदर धुन बनानी है, फॉर्मूले में धुन बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या नाम है मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहती है f(x), f(0) x अपॉन फैक्टोरियल 1 f-0, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f(0), x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f(0) एंड सो। अच्छा ये किस किस की सीरीज है, वैसे तो मैं बार बार बोलता आया हूं बच्चों किस किस की सीरीज है, जिन जिनका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना उन सब की सीरीज है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा इसी फॉर्मूले का देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वैसे ये, क्या नाम था बच्चों log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स फॉर्मूला क्या है, log 1 प्लस एक्स का क्या बना, तो x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सोन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि बाकी तो क्या फैक्टोरियल चलता है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड सोन ऐसा चलता है, पर इसके अंदर क्या है ये सिंपल वैल्यू बन गई 1 2 3 4 बन गया ठीक है। अब अगर ऐसा इसका फॉर्म इसी का दूसरा अगर कंसेप्ट चाहिए log 1 माइनस x, इसी से फॉर्मेट log 1 माइनस x चाहिए, तो बस x जगह क्या कर दो माइनस कर दो, तो माइनस x अपॉन 1 यहां माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 यहां माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, माइनस x क्यूब अपॉन 3 यहां माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, पर हाँ इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्या बच्चों
माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको कभी लगे कि इसी फॉर्मूले के अंदर एक बदलाव और, कैसे, अगर लॉग वन प्लस एक्स क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए बच्चों, तो ये भी अपडेट कर सकते हो आप। कैसे, एक्स जगह एक्स क्यूब लिख दिया तो एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर सिक्स अपॉन टू प्लस बच्चों एक्स क्यूब यानी एक्स की पावर नाइन अपॉन कितना हो गया थ्री माइनस एक्स की पावर फोर फोर इंटू थ्री कितना हो गया ट्वेल्व अपॉन फोर और प्लस एंड सो ऐसे कोई भी वैल्यू अगर आ रही है ना तो एक चीज अगर आपको पता है ना तो उसके थ्रू सारी चीज अपडेट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह मैक्लॉरिन का फायदा अपन को ये सब सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। उस दिन क्वेश्चन नहीं हो रहा था, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका, मैक्लॉरिन सीरीज यूज कर लो। पर हमेशा अपन को हर सीरीज अपन को मालूम हो ऐसा भी तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो उन क्वेश्चन के अंदर ये देखिएगा क्या कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, यही चीज इधर भी चल सकती थी, इधर वाले कंसर्न में देखिए, अपन ने ए की पावर एक्स का देखो सब फॉर्मूला ये जैसे, ठीक है बच्चों। अगर यहां पर अपन को सीधा इससे ये बनाना ए की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे बनाना, तो अब ये थोड़ी अजीब चीज है बच्चों, ये आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब जगह अटकेगा ये कंसेप्ट, तो उसकी वजह से क्या, अगर फॉर्मूला लगा दो और निकल रहा है कंसेप्ट तो ठीक है, ई की पावर एक्स स्क्वायर तो बस एक्स जगह एक्स स्क्वायर कर दो यानी बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल वन और एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल टू और बच्चों एक्स की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सो जो भी है जैसा भी है, चल जाए। अरे बच्चों क्लियर है क्या, ये सब मैक्लॉरिन सीरीज बनती है कि जो मैक्लॉरिन सीरीज है उसके अंदर आप कितने भी चेंज करके नई सीरीज का निर्माण कर सकते हो। जल्दी से एक रेस्पॉन्स दे दीजिए फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्लियर है क्या, 100% क्लियर होना चाहिए। और अभी इस क्लास के कोई क्वेश्चन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, क्वेश्चन होते ही नहीं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, इसमें बस यही है अभी समझ में आना चाहिए। चलिए जी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फंक्शन का नाम है बच्चों साइन एक्स। साइन एक्स की क्या बनानी है, मैक्लॉरिन सीरीज बनानी। साइन एक्स क्या बनानी है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सबकी मैक्लॉरिन सीरीज बनती। हाँ जी, साइन एक्स की बनानी है। साइन एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर बच्चों कितना हो गया, साइन एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स एफ ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा जीरो। हाँ जी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कोज एक्स कितना बच्चों, एफ डैश जीरो कितना आएगा बच्चों, वन आएगा। हाँ जी, एफ डबल डैश एक्स कोज एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स। हाँ जी, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी। हाँ जी, एफ थ्री टाइम डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कोज एक्स किसका बच्चों, माइनस एफ थ्री टाइम डैश जीरो कितना हो जाएगा माइनस वन। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़े, एफ फोर टाइम डैश एक्स कोज एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों साइन एक्स किसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एफ फोर टाइम डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। बहुत इजी प्रोसेस है बच्चों, बहुत इजी है। हाँ जी, तीन नॉन जीरो चाहिए, देख लो इतने इतना टाइम क्यों चल रहे, तीन नॉन जीरो चाहिए, कहानी एक ही, तीन नॉन जीरो टर्म चाहिए। अच्छा, तीन नॉन जीरो के लिए ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट, अब क्या करें। हाँ जी, एफ एक और चाहिए, एफ फाइव टाइम डैश एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स का कोज एक्स। अच्छा बच्चों, एफ फाइव टाइम डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। लीजिए तीन नॉन जीरो टर्म, तीन नॉन जीरो टर्म, एक ये रही एक ये रही एक ये रही, तीन नॉन जीरो टर्म का निर्माण के हिसाब से चलोगे। हाँ जी, तीन नॉन जीरो टर्म किसका बनाना है बच्चों, किसका बनाना है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कौन है बच्चों साइन एक्स। हाँ जी, सिर्फ नॉन जीरो टर्म में चलना है, बाकी सब खत्म कर दो, सबसे पहले टर्म जीरो बच्चों छोड़ दो। अच्छा, एफ डैश जीरो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। अच्छा, फिर ये जीरो, एफ डबल डैश यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, सॉरी तीन बार है बच्चों, तीन बार का मतलब क्या हो गया, ये दोनों खत्म, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस बच्चों फाइव टाइम, फाइव टाइम यानी एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। अब आपको कोई बोले कि एक टर्म और लिखो तो लिख सकते हो, धुन बननी चाहिए, सिर्फ धुन का खेल है बच्चों, धुन अगर समझ में आती है तो फॉर्मूला आपका हुआ किसका बच्चों साइन एक्स का। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या, साइन एक्स क्लियर है क्या, और साइन एक्स के अधीन दूसरे को भी निर्माण कर सकते हो। जल्दी से फटाफट एक रिप्लाई दे दीजिए फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते, अभी याद होना चाहिए क्लास में, रिपीट करना हो तो बोल देना। लविसा, अजय, कृति, आजी, सृष्टि, भव्या, आज एक लड़की नई जुड़ी थी ना, क्या नाम था, दीपशिखा, हाँ जी वो नहीं आई है आज,
हाँ जी, जिनके भी कॉन्टेक्ट हो बच्चों बोल देना है ना, ताकि क्या ये वीडियो देख लेंगे, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, बाकी एक दो दिन में फ्लो बन जाएगा, कोशिश करेंगे। हाँ जी बच्चों, अगर साइन एक्स स्क्वायर बनता, हाँ जी इसी फॉर्मूले में क्या बनता, साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट होता, ऐसा बस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी में बदलाव कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 बच्चों, प्लस एक्स की पावर 5 इंटू 2 मतलब 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सोन, ये ऐसा ठीक है। तो अगर वो मालूम है तो उसकी जगह सिर्फ पुट करके काम चलाया जा सकता है, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x वगैरह वगैरह सब आ गए, पूरा ब्रह्मांड आ गया बच्चों, इसमें हमें कर सकते हो। हाँ जी, ये थी आपकी क्या मैकलर सीरीज, और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आपकी सोच है उतने सब क्वेश्चन, 10x की भी होती है, कोटेक्स की भी होती है, सेक एक्स की होती है, सबकी होती है, सबकी सीरीज बनती है, जहां यूज आए ना उसको बुला लो, जब भी ऐसा लगे हाँ इसमें सीरीज से काम चल सकता है तो मैकलर सीरीज को बुला लीजिए, काम हो जाएगा। हाँ जी, अब चलते हैं अपन दूसरे नंबर की सीरीज आती है, उसका नाम होता है बच्चों टेलर, नाम सुने होगा, मैथमेटिशियन है। आज क्या नाम है, टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज एक ही नाम है, ये मैकलन सीरीज या मैकलन थ्योरम ये एक ही नाम है, ये इसी एक ही कंसेप्ट की बात करते हैं। हाँ जी, अब इस वाले कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, टेलर सीरीज का क्या सिद्धांत, जैसे मैकलन का एक छोटा सा कंसेप्ट, एक्स बराबर जीरो पुट करता हूं, एक्स बराबर क्या पुट करता है, जीरो, उसको बोलते हैं अपन मैकलन सीरीज। अब एक्स की जगह ब्रह्मांड की कोई सी भी वैल्यू पुट करा दो उसको बोलते हैं टेलर। अपने लिए जो इंपोर्टेंट है वो है बच्चों मैकलन, मतलब फॉर्मूले बनाने के लिए कौन सी इंपोर्टेंट है, मैकलन। पर एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए टेलर भी तैयार करने है आपको, दोनों साथ में ही है, टेलर से ही एक छोटा सा पोर्शन निकला हुआ है मैकलन। अब कैसे है? मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, किसी भी फंक्शन की टेलर सीरीज बनती है, किसी भी फंक्शन की टेलर सीरीज बनती है, साइन कोस टेन कोस सबकी बनती है। पर बच्चों इसमें क्या होता है कि वैल्यू आपको दी जाएगी, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए वैल्यू दी जाएगी, वहां एक्स बराबर क्या पुट करते थे, जीरो, और यहां एक्स बराबर क्या दी जाएगी, ए। अगर एक्स की जगह जीरो लिख दे तो मैकलन सीरीज और टेलर में कोई फर्क नहीं होता। वो कैसे होता है देखिए, जिसकी सीरीज बनाई जाती है वो इधर लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहां पुट करोगे बच्चों, उधर पुट करते थे जीरो, और यहां पुट करोगे ए, जो भी वैल्यू दी गई इस दुनिया के अंदर वो पुट करनी एफ ओ पे। फिर बच्चों एफ डैश है, फिर बच्चों एफ डबल डैश है, फिर बच्चों एफ ट्रिपल डैश है, एफ ट्रिपल डैश ए, एस। मतलब टेलर मैकलन में कितना फर्क है, मैकलन में बच्चों फिक्स है जीरो ही पुट करते हैं, सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अपन ने किया सब में जीरो ही पुट किया, ये मैकलन। टेलर में क्या है, जो भी वैल्यू दी जाएगी वो पुट करनी। हाँ जी, ये एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश। अब बच्चों वहां जो लिखा जाता था वहां एक्स बराबर जीरो था, ध्यान रखिए, तो इस जैसा बनाने के लिए इसको बच्चों मैं ऐसा लिखूंगा, इस जैसा बनाने के लिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस ए बराबर जीरो, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। तो जब ऐसा था ना, जब ऐसा था तो मैं क्या लिखता, x अपॉन फैक्टोरियल 1, तो प्लस यहां लिखा जाएगा ये, x की जगह लिखा जाएगा ये, यानी x माइनस ए, समझना, यहां लिखा जाएगा x माइनस ए की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, x बराबर 0, तो ऐसा लिखते थे x अपॉन फैक्टोरियल 1। अब ये इसकी कॉपी कौन है बच्चों, ये रहा, कंफ्यूज नहीं हो गए, ये रहा बराबर 0 होना चाहिए, उसको लिखेंगे अपन। तो बच्चों अगला आएगा प्लस और x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। कोई कहता है डेंजर है, डेंजर है ही नहीं बच्चों, मैकलन का विरोध के अंदर टेलर बना है। मैकलन क्या सिर्फ जीरो पे काम करता हूं, टेलर क्या है सब सारी वैल्यू पर, कॉपी किसकी मारी, मैकलन की कॉपी मारी हुई। अगली वैल्यू एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और आगे बढ़े बच्चों प्लस एक्स माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, अलग से याद नहीं करोगे, एफ 4 टाइम डैश ए प्लस एंड सो, ये बनेगा। आज ही वापस आओ, क्या कहा, क्या बनाना है, टॉपिक का नाम क्या है, टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या चीज है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों ये रहा,
हाँ जी ये कंसेप्ट, x बराबर क्या लगाया जाता है a, x बराबर लगाया जाता है a, मतलब कोई सी भी वैल्यू लगाई जाती है, किसका बनाना है f of x का, x बराबर क्या लगाएंगे a लगाएंगे, x बराबर क्या होगा जीरो अगर होता तो ये कोई काम का है क्या, अपने ये काम का नहीं है, ध्यान रखिए ये काम का नहीं, ये किसके लिए काम आता है मैकलर, पर इसको सहायता ली कि अगर जब x बराबर जीरो था तो यहां आता था x अपॉन फैक्टोरियल वन, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ऐसा आता था, तो इस जैसा अगर बन जाए ये तो फिर इसको अपन यूज कर लेंगे, कहानी सिर्फ इतनी, तो ये ऐसा कब बनेगा जब इसे a को इधर ले लो तो x माइनस a बराबर क्या हो गया जीरो हो गया, तो x माइनस a अपॉन फैक्टोरियल वन, x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, x माइनस a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, x माइनस a की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, प्लस एंड सोन, आज ये लिखा जाएगा किसके अंदर टेलर के अंदर, अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर बच्चों a बराबर जीरो लिख दे तो f ऑफ x कैसा अपडेट होगा देखते हैं बच्चों, ये f ऑफ जीरो प्लस x बराबर सॉरी a बराबर जीरो तो x अपॉन फैक्टोरियल वन और f डैश a प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू और f डबल डैश a प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री और f ट्रिपल डैश a प्लस एंड सो, कहने का मतलब ये कि बच्चों मैक्लरन किससे निकला हुआ है बच्चों टेलर से, मैक्लरन सीरीज किससे निकली हुई है टेलर सीरीज से, यानी टेलर सीरीज का एक छोटा सा अंश है जो किसके अंदर है मैक्लरन सीरीज कहलाता है, पर अपने कौन से काम की है मैक्लरन ज्यादा काम की, क्योंकि फॉर्मूले जब भी बनाए जाएंगे मैक्लरन को बुलाया जाएगा, आपको बताएंगे ये सीरीज कैसे काम करती पर आपको मैक्लरन पे ज्यादा फोकस करोगे, हाँ जी ये फॉर्मेट बनेगा, अगर x बराबर कोई भी वैल्यू पे बनानी है ना तो टेलर बनेगा, मैक्लरन बनी उसके विरोध के अंदर टेलर बनी कि हाँ ब्रह्मांड की कोई सी भी वैल्यू पुट करके भी मैं एक सीरीज बना सकता हूं, पर कॉपी किसकी मारी गई मैक्लरन की कॉपी मारी गई, मैक्लरन सीरीज की कॉपी मार के टेलर सीरीज का निर्माण बना गया, या फिर ऐसे बोल सकते कि टेलर सीरीज में एक फिक्स वैल्यू लगा दी f बराबर जीरो तो मैक्लरन सीरीज बन गई, और यूज कौन सी आई बच्चों मैक्लरन सीरीज आई, ये दोनों बातें सही साबित हो सकती है, हाँ जी वो उस समय की बात है क्या सिचुएशन रही होगी कैसे बना होगा वो बात की बात है, क्या आपके ये क्लियर है क्या टेलर सीरीज का कंसेप्ट ये रहा क्या, ये अच्छी तरीके से क्लियर है क्या, फटाफट थोड़ा सा फास्ट जवाब दीजिए फिर बच्चों आगे बढ़ते, बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, थ्योरी की बात में बात है, चलिए एक दो न्यूमेरिकल ले लेते आपके समझ में आ जाए कि फॉर्मेट क्या कहना चाहता है, समझिए एक बार, अगर x बराबर अगर जीरो लेता है मतलब a की वैल्यू अगर जीरो लेता है बच्चों तो मैक्लरन बनेगी, ठीक है टेलर के अंदर भी क्या बनेगी मैक्लरन की बनेगी, पर वो नाम दे सकता है टेलर सीरीज बनाई वो एक अलग मैटर हो गया, समझिए हाँ जी एक क्वेश्चन लिखा f ऑफ x बराबर बच्चो साइन x, f ऑफ x बराबर साइन x और x बराबर लिख दिया बच्चों पाई बाई टू, सीरीज कैसे बनती है देखना x बराबर क्या हो गया पाई बाई टू, तो काम वैसे ही होगा जैसे टेलर में हुआ था सॉरी जैसे मैक्लरन में हुआ था, सबसे पहले क्या f ऑफ x, f ऑफ x बराबर कितना है बच्चों साइन x, f ऑफ पाई बाई टू, f ऑफ पाई बाई टू साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई 1, अच्छा बच्चों f डैश x करो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos x, अच्छा f डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी f डैश पाई बाई टू साइन cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, अच्छा f डबल डैश x cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया sin x किसका बच्चों माइनस, अच्छा f डबल डैश पाई बाई टू f डबल डैश पाई बाई टू f डबल डैश पाई बाई टू कितना माइनस 1 ये आ गया, अच्छा जी आगे बढ़ाइए f ट्रिपल डैश x sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x किसका बच्चों माइनस, अच्छा f ट्रिपल डैश पाई बाई टू f ट्रिपल डैश पाई बाई टू f ट्रिपल डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, कहानी क्या है तीन नॉन जीरो टर्म चाहिए, जब तक तीन नॉन जीरो टर्म नहीं आएगी ना तब तक आपको प्रयास जारी रखना है, कितना हो गया बच्चों साइन एक्स एफ फोर टाइम डैश पाई बाय टू की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 1 आ गई, दिखाई भी दे रहा है एक 1 एक 0 एक माइनस 1 ऐसे कुछ आ रही है टर्म इसके हिसाब से, ठीक है क्या बनाना है आज किस पे चलना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, अच्छा लिखने का तरीका क्या है समझ लीजिए किसको बनाना है बच्चों साइन एक्स को बनाना है, सबसे पहले क्या बचा बच्चों 1 तो 1, अच्छा ये 0 हो गया इस पे आ जाओ डबल है बच्चों डबल है डबल है डबल है, अच्छा इसको इधर भेजो प्लस x माइनस पाई बाई टू
का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। अच्छा एफ डबल डैश कितना है माइनस वन, तो ये प्लस की जगह कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह कितना आ जाएगा बच्चों माइनस। चलो उसको थोड़ा सा और, हाँ जी थोड़ा सा और बदलाव करके लिख रहा हूं, किसका बनाया बच्चों साइन एक्स का, बराबर कितना वन ए माइनस। हाँ जी चलिए आगे बढ़ाते बच्चों, नेक्स्ट ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी माइनस वन, ठीक है यहां तक पहुंचे, फिर जीरो, फिर कौन सी बची फोर वाली बची, तो क्या लिखेंगे बच्चों प्लस और एक्स माइनस फाइव बाई टू की पावर बच्चों फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। अगली वापस क्रम लिखनी है, अब धुन बन चुकी है, प्लस माइनस कितनी आएगी एक्स माइनस फाइव बाई टू की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स, और प्लस एंड सोन। हाँ जी प्लस एंड सोन, क्या 100% क्लियर है क्या? ये आपकी सीरीज क्या कहलाती है टेलर सीरीज, ये अपने नॉर्मली किसी क्वेश्चन में यूज नहीं आती है, ठीक है, पर क्वेश्चन बन सकता है इसका कभी, टेलर सीरीज का फॉर्मेट है ना, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या आता है वो मैं बताऊंगा, पहले तो आप ये बताइए क्या क्लियर है क्या, जल्दी से बड़ा पर थोड़ा फास्ट। हाँ जी अच्छा कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर भी, आप पर क्वेश्चन थोड़ा सिस्टमेटिक बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टॉपिक का नाम है बच्चों टेलर सीरीज, ठीक है इसको रेडी करना। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, समझना इस चीज को, नाम नहीं आता है वहां टेलर सीरीज का, कहीं नाम नहीं आता पर ऐसा आता है। हाँ जी क्वेश्चन समझिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन। बच्चों ऐसा लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन लिखा जाएगा और आपको यह बोलेगा कि इस क्वेश्चन को अभी ये x में चमक रहा है बच्चों, x के अंदर चमक रहा है, ये क्वेश्चन x है, x के अंदर है, इसको x माइनस वन टर्म में बदल लो। टेलर का कहीं पर भी नाम नहीं आता, x माइनस वन टर्म्स में बदलना है। वापस सुनो, ये क्वेश्चन किसमें, ये पॉलिनोमियल किसमें बच्चों, ये पॉलिनोमियल आपका एक्स में, सॉरी ये पॉलिनोमियल किसमें आपका एक्स में, ये पॉलिनोमियल आपका किसमें बच्चों एक्स में, ये पॉलिनोमियल बच्चों आपका एक्स में। अब इसकी जगह कैसा चमकदार चाहिए, एक्स माइनस वन, जैसे एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ऐसा क्वेश्चन ऐसा चाहिए, तो इसमें लगती है टेलर सीरीज, नाम का ही नहीं दिया जाएगा बस ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स का पॉलिनोमियल है, इसकी जगह किसका पॉलिनोमियल चाहिए, एक्स माइनस वन का पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब वो एक्स माइनस वन की टर्म में स्क्वायर क्यूब जो भी चाहता है वो उसमें बताना है आपको। अब देखिए कैसे बदलता है, आज ही नंबर एक तो एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन को जीरो पुट करो एक्स आ जाएगा, एक्स बराबर कितना हो गया वन, इन्वेस्टमेंट वन होगा। अच्छा एफ ऑफ एक्स का नाम कितना है, एफ ऑफ एक्स का नाम बच्चों एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस वन। अच्छा बच्चों एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन वन लगाओ तो वन प्लस सिक्स सेवन, वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन माइनस फोर वैल्यू देखिए, ये सिक्स है ये वन है टोटल सेवन, सेवन माइनस फोर बच्चों थ्री, एफ ऑफ वन कितना आएगा थ्री आएगा। अच्छा जी आगे बढ़ाई एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यह मिस्टेक कर दी, पर इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा बच्चों। हाँ जी माइनस का सिक्स एक्स और प्लस सिक्स, अच्छा एफ डैश वन की वैल्यू लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों जिसमें टेलर सीरीज का यूज आता है, टेलर सीरीज बताने के पीछे रीजन भी यही है। हाँ जी एफ डैश वन थ्री प्लस सिक्स कितना हो गया नाइन, और नाइन माइनस सिक्स वापस कितना हो गया आपका थ्री हो गया, यानी सिक्स से सिक्स कट जाएगा और टोटल मिला कितना हो गया बच्चों थ्री हो गया। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन कहां तक जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, अगर आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा लेंथी सीरीज बनेगी, पर ये ऐसा है नहीं, तो इसमें जल्दी से खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला। कितना हो गया ये सिक्स एक्स माइनस सिक्स, ये बन जाएगा बच्चों क्या एफ डैश, कितना हो गया एफ डबल डैश वन, एफ डबल डैश वन कितना सिक्स माइनस सिक्स आपका कितना हो गया जीरो होगी। ठीक है कोई टर्म खत्म हो सकती है वो इसके ऊपर डिपेंडेबल है, इसमें हो रही है ठीक है। हाँ जी एफ ट्रिपल डैश एक्स लास्ट कितना हो गया बच्चों सिक्स। अच्छा एफ ट्रिपल डैश के अंदर अगर वन लिखेंगे पर एक्स बचा नहीं है तो आंसर कितना आएगा सिक्स आएगा। हाँ जी आगे आपको पता है क्या आएगा बच्चों जीरो आएगा, जिसमें सीरीज का कोई महत्व नहीं रहेगा बच्चों, अपन को वैल्यू ये चाहिए
हाँ जी, अब किस में चेंज करना है इस क्वेश्चन को, x माइनस वन में। कहानी इतनी सी कि x माइनस वन में बदलाव करना है। हाँ जी समझिए, क्वेश्चन दे रखा था जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन दे रखा है जिसका नाम क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, फॉर्मेट ये दे रखा है। क्या नाम दे रखा है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फॉर्मेट दे रखा है। जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो ऐसा है। पहला नंबर पे बच्चों एफ ऑफ वन कितना आया, थ्री आया। अपने टेलर सीरीज जैसे लिखते हो वैसे लिखना है, ध्यान रखना है, थ्री प्लस। अच्छा एक्स को इधर ले गया, एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, एफ ऑफ सॉरी एफ डैश वन कितना बच्चों, थ्री है, प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों फैक्टोरियल टू, ठीक है। एफ डबल डैश की वजह से वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो ये लीजिए जीरो हो गया। आज ये वैल्यू कितनी होगी, जीरो इंटू प्लस लास्ट एंड फाइनल तीन बार जाएगा बच्चों, कितना हो गया, एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन बच्चों फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स माइनस वन के हिसाब से कितना हो गया, इंटू सिक्स, ये बन जाएगा। तो बच्चों ये एक्स माइनस वन में, एक्स माइनस वन के अंदर बदलना, जो एफ ऑफ एक्स है ना उसको एक्स माइनस वन के अंदर बदलना, कहानी इतनी है। तो बच्चों प्लस थ्री और एक्स माइनस वन, ठीक है, इसका तो मीनिंग ही नहीं रहा बच्चों, फैक्टोरियल वन तो वन होता है। अच्छा ये पूरा जीरो हो गया, कोई टर्म खत्म हो सकती है, वो अपना काम थोड़ी, वो तो हो सकती है। अच्छा फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या होता है बच्चों, सिक्स, सिक्स से सिक्स खत्म हो गया, कितना हो गया, एक्स माइनस वन का होल क्यूब हो गया। अच्छा ये क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन का होल क्यूब, क्योंकि ये भी एफ ऑफ एक्स भी कितना है, जीरो है, तो ये भी जीरो में आएगा, प्लस थ्री एक्स माइनस वन और प्लस थ्री इक्वल एंड जीरो। बच्चों ये ध्यान से देखिए क्या बनेगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस थ्री इक्वल एंड जीरो। तो ये किसमें चमक रहा है बच्चों, एक्स माइनस वन वाले टर्म में चमक रहा है, किसमें चमक रहा है, ये x माइनस वन वाले टर्म में चमक रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर टेलर सीरीज का नाम नहीं आएगा, सेट करना, और कितना डिफरेंशिएशन जाएगा, जितनी इसकी पावर है ना उतना डिफरेंशिएशन जाएगा। भाई पॉलिनोमियल का एक सिद्धांत है, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन क्या पड़ता है बच्चों, कम पड़ता है, और कम पड़ता है तो जहां तक जाएगा जहां तक उसका फॉर्मेट बने। हाँ जी क्या 100% क्लियर है क्या, फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते। हाँ जी ये टॉपिक खत्म आपका, टेलर एंड मैक्लॉरिन दोनों सीरीज है बच्चों, कहीं से भी पढ़ सकते हो, नेट पे देख सकते हो, कहीं पर भी लॉजिक बनाया जा सकता है, ये सब फॉर्मूले बेस है, दोनों टॉपिक जो थे वो फॉर्मूला बेस, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे रिजल्ट देखा होगा आपने, पूनम चोपड़ा का रिजल्ट आया आपने फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ये जो बैच है वो भी बच्चों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बैच ही है, जिसमें और अदर्स जो बच्चे है, ठीक है, तो ऑल राजस्थान जनरल है, ठीक है, अपने यहाँ से 56 रैंक आई है, और उसमें जो सीट्स थी बच्चों वो थी 196, ओनली 196 सीट थी ऑल राजस्थान के अंदर, जिसमें से जनरल की रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह अगर हटा दोगे तो बहुत कम सीटें बचेगी, तो उनमें एक पूनम चोपड़ा भी है जिनमें उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं है, पढ़ते रहो आप, धीरे 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 चलते रहो ये बैच, ठीक है, जो जो आपके टॉपिक है वो तो आपको कवर करवा देंगे, बाकी ठीक है चल रहा है ये बैच, चलता रहेगा, क्योंकि इसमें क्या 11 12 भी चलता है, बीएससी भी चलता है, और आगे के टॉपिक चलते रहते हैं बच्चों, लास्ट तक चलते रहते, वो एंड नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने तरफ से तैयार करते रहो। हाँ अजय सुन कह रहा है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि कह रही है सर इंग्लिश लगा देंगे, इंग्लिश भी लगा देंगे, करता हूं मैं बात करता हूं सर से, है ना, लगा देंगे इंग्लिश भी। हाँ जी कल 102 वाली क्लास लगेगी, उसमें क्या लगेगा, कल एक तो ये वाली क्लास नहीं है बच्चों, शाम वाली क्लास नहीं है, ठीक है, खूब पढ़ा रखा है, कुछ क्वेश्चन खूब सारे बाकी पड़े हुए आपके, ठीक है, तो लगा देंगे ये वाली क्लास, बाकी इनको रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। और दिन वाले क्लास में एक तो लिमिट के जो क्वेश्चन बच गए मैं देख लूंगा एक बार कहां से बच रहे हैं, बाकी वो क्वेश्चन ले लेंगे, और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कल स्टार्ट करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन में लिमिट भी है और कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशिबिलिटी भी है उसके अंदर, तो वो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और अगला अपना टारगेट भी वही रहेगा, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपस मिलते हैं।